दोस्तों दोस्तों आज हम जानेंगे लता मंगेशकर जी के संपूर्ण जीवन के बारे में। जैसा कि दोस्तों लता मंगेशकर जी भारत की सबसे प्रतिष्ठित प्लेबैक सिंगर थी और जिन्होंने फिल्म और गैर फिल्मी यादगार गीते गाए हैं। दुनिया भर में दोस्तों उनके करोड़ों प्रशंसक हैं जो लता को माँ सरस्वती का अवतार मानते हैं। जैसा कि दोस्तों लता मंगेशकर ने 1000 से ज़्यादा हिंदी फिल्मों में गीत गाए हैं। मुख्यतः उन्होंने हिंदी, मराठी और बंगाली में गाने गाए हैं। वे 36 से ज़्यादा भाषाओं में गीत गा चुकी हैं लता मंगेशकर जी, जो कि अपने आप में एक कीर्तिमान है। जैसा कि मित्रों लता मंगेशकर जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ, जो कि अब मध्य प्रदेश में स्थित है। वे पंडित दीनानाथ मंगेशकर और सेवंती की बड़ी बेटी है। और जैसा कि मित्रों लता के पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर एक मराठी संगीतकार, शास्त्रीय गायक और थिएटर एक्टर थे, जबकि माँ गुजराती थी। सेवंती उनकी दूसरी पत्नी थी और उनकी पहली पत्नी का नाम नर्मदा था, जिसकी मृत्यु के बाद दीनानाथ ने नर्मदा की छोटी बहन सेवंती को अपनी जीवन संगिनी बनाया। जैसा कि मित्रों पंडित दीनानाथ का सरनेम हार्डीकर था, जिसे बदल कर उन्होंने मंगेशकर कर लिया। वे गोवा में मंगेशी के रहने वाले थे और इसके आधार पर उन्होंने अपना नया सरनेम चुना। लता के जन्म के समय उनका नाम हेमा रखा गया था, जिसे बदल कर लता कर दिया गया। जैसा कि मित्रों यह नाम दीनानाथ को अपने नाटक भावबंधन के एक महिला किरदार लतिका के नाम से सूझा था। जैसा कि मित्रों लता के बाद मीना, आशा, उषा और हृदयनाथ का जन्म हुआ, जो कि इनके भाई बहन थे। जैसा कि दोस्तों बचपन से ही लता को घर में संगीत और कला का माहौल मिला और वे उसी ओर आकर्षित हुई। जैसा कि दोस्तों 5 वर्ष की उम्र से ही लता और उनके पिता संगीत का पाठ पढ़ाने लगे। उनके पिता के नाटकों में लता अभिनय भी करने लगी और लता को स्कूल भी भेजा गया, लेकिन पहले ही दिन उनकी टीचर से अनबन हो गई और लता अपने साथ अपनी छोटी बहन आशा को भी स्कूल ले गई, लेकिन टीचर ने आशा को कक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी। इससे लता को गुस्सा आया और वे फिर कभी स्कूल नहीं गई। जैसा कि दोस्तों लता मंगेशकर के ऊपर 13 वर्ष की उम्र में ही उन पर परिवार का बोझ आ गया था। जैसा कि दोस्तों 1942 में लता मंगेशकर पर मुसीबत का पहाड़ टूट गया। उनके पिता की जब मृत्यु हुई, तब लता मात्र 13 वर्ष की थी। लता पर परिवार का बोझ आ गया और नवयुग चित्रपट मूवी कंपनी के मालिक मास्टर विनायक मंगेशकर परिवार के नज़दीकी लोगों ने लता का कैरियर गायिका और अभिनेत्री के रूप में संवारने के लिए मदद की। लता को अभिनय पसंद नहीं था, लेकिन पैसों की तंगी के कारण उन्होंने कुछ हिंदी और मराठी फिल्मों में अभिनय किया। मंगला गौर, मांझे बाल, गजभाऊ, बड़ी माँ, जीवन यात्रा जैसी फिल्मों में लता ने
छोटी मोटी भूमिकाएं अदा की है। जैसा कि दोस्तों लता को सदाशिवराव नेवरेकर ने एक मराठी फिल्म में गाने का अवसर दिया, 1942 में उन्हें ये गाने का अवसर मिला। लता ने गाना रिकॉर्ड भी किया लेकिन फिल्म के फाइनल कट से वो गाना हटा दिया गया। 1942 में रिलीज़ हुई मंगला गौर में लता की आवाज़ सुनने को मिली और इस गाने की धुन दादा चांदेकर ने बनाई थी। और 1943 में प्रदर्शित मराठी फिल्म गजभाऊ में लता ने अपनी हिंदी गाना माता एक सपूत की दुनिया बदल दे तू गाया। जैसा कि मित्रों लता जी ने 1945 में लता मंगेशकर मुंबई शिफ्ट हो गई और इसके बाद उनका कैरियर आकार लेने लगा। वहां उन्होंने भिंडी बाजार घराना के उस्ताद अमन अली खान से भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू किया। फिल्म बड़ी माँ में गाए भजन माता तेरे चरणों में और 1946 में रिलीज़ हुई आपकी सेवा में लता द्वारा गाए गीत पालूंगा करजोरी पाल लागू करजोरी ने लोगों का ध्यान लता दीदी की ओर खींचा। जैसा कि दोस्तों लता जी को बहुत बार रिजेक्ट किया गया, जैसा कि दोस्तों वसंत देसाई और गुलाम हैदर जैसे संगीतकारों के संपर्क में लता आई और उनका कैरियर निखरने लगा। लता के गुलाम हैदर मेंटर बन गए। वे लता को दिग्गज फिल्म निर्माता शशधर मुखर्जी के पास ले गए, जो उस समय शहीद नामक फिल्म बना रहे थे। हैदर ने लता को लेने की सिफारिश मुखर्जी से की, लेकिन लता को सुनने के बाद मुखर्जी ने यह कहते हुए लता जी को इनकार कर दिया कि लता जी की आवाज़ बहुत पतली है। इससे हैदर भड़क गए। वे लता की प्रतिभा को पहचान चुके थे। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में लता छा जाएगी और ये सारे निर्माता लता के चरणों में गिरकर लता से अपनी फिल्मों में गाने की मिन्नत करेंगे। जैसा कि गुलाम हैदर ने लता से मजबूर में गीत दिल मेरा तोड़ा मुझे कहीं का ना छोड़ा गवाया। यह दिल मेरा तोड़ा मुझे कहीं का ना छोड़ा गवाया और यह गीत लता का पहला हिट माना जाता है। गुलाम हैदर ने लता में जो प्रतिभा देखी गुलाम हैदर ने लता में जो प्रतिभा देखी थी इसका जिक्र अक्सर लता करती रही। लता के अनुसार गुलाम हैदर उनके सही मायने में गॉडफादर थे और उन्हें लता की प्रतिभा में पूरा विश्वास था। जैसा कि लता जब प्लेबैक सिंगर के क्षेत्र में अपना कैरियर बना रही थी तब नूरजहां शमशाद बेगम जैसी गायिकाओं का बोलबाला था। लता पर भी इन गायिकाओं का प्रभाव था और वे उसी शैली में गाती थी, लेकिन लता समझ गई कि यदि उन्हें आगे बढ़ना है तो अपनी शैली विकसित करनी होगी और उन्होंने यही किया। उन्होंने हिंदी और उर्दू के उच्चारण सीखे। 1949 में एक फिल्म रिलीज हुई महल, इसमें खेमचंद प्रकाश ने लता से
आएगा आने वाला गीत गवाया, जिसे मधुबाला पर फिल्माया गया था। यह गीत सुपरहिट रहा। इस गीत ने एक तरह से ऐलान कर दिया कि आएगा आने वाला आ चुका है। यह गीत लता के बेहतरीन गीतों में से एक माना जाता है और आज भी सुना जाता है। इस गीत की कामयाबी के बाद लता ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जैसा कि 1950 से लेकर 1970 का जो दौर था, भारतीय फिल्म संगीत के लिए बेहतरीन माना जाता है। जब एक से एक गायक, संगीतकार, गीतकार और फिल्मकार थे, सब ने मिलकर बेहतरीन फिल्में और संगीत रचा। और जैसा कि लता मंगेशकर के स्वरों में ढल कर एक से बढ़कर एक गीत सुनने को मिले, जैसा कि अनिल विश्वास, शंकर जयकिशन, सचिन देव बर्मन, नौशाद, हुसन लाल, भगत राम, सी रामचंद्र, सलील चौधरी, सज्जाद हुसैन, वसंत देसाई, मदन मोहन, खय्याम कल्याण जी, आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, राहुल देव बर्मन जैसे नामी संगीतकार मधुर धुनों का निर्माण कर रहे थे। और लता मंगेशकर सभी की पहली पसंद थी। इन संगीतकारों के साथ लता ने अनेक यादगार गीत गाए, जिनकी लोकप्रियता की कोई सीमा नहीं रही। जैसा कि लता के आवाज़ का माधुर्य आम जन के सिर पर चढ़कर बोला, और लता मंगेशकर देखते ही देखते चोटी की गायिका, शिखर की गायिका बन गई। महिला गायिकाओं में उनके इर्द गिर्द कोई भी नज़र नहीं आता था। जैसा कि दोस्तों, कई फिल्में महज इसलिए सफल रही क्योंकि लता मंगेशकर के गाए गाने लोकप्रिय हुए और इस कारण ही फिल्में चल निकली। अपने सहज सरल स्वभाव के कारण लता फिल्म निर्माताओं, निर्देशकों और संगीतकारों की पहली पसंद बन गई। हर गाने को लेकर उनकी मेहनत गाने में झलकती थी। जैसा कि हर गाने को लता विशेष बना देती थी, चाहे वो रोमांटिक गाना हो या राग आधारित हो, भजन हो, देशभक्ति से ओतप्रोत हो। उनके द्वारा गाए गीत ऐ मेरे वतन के लोगों को सुन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की भी आंखें भर गई थी। जैसा कि दोस्तों, दीदार, बैजू बावरा, उड़न खटोला, मदर इंडिया, बरसात, आ श्री 420, चोरी चोरी, सजा, हाउस नंबर 44, देवा, देवदास, मधुमति, आज़ाद, आशा, अमरदीप, बागी, रेलवे प्लेटफॉर्म, बागी रेलवे प्लेटफॉर्म, देख कबीरा रोया, चाचा जिंदाबाद, मुगले आज़म, दिल अपना और प्रीत पराई, 20 साल बाद, और वो कौन थी आए दिन बहार के, न जाने बहुत से सैकड़ों फिल्मों में लता ने अपने गीत दिए हैं। और संगीतकार लता के पास कठिन से कठिन गीत लाते थे और लता बड़ी आसानी से उन्हें गा देती थी। जैसा कि राज कपूर, बिमल रॉय, गुरुदत्त, महबूब खान, कमाल और अमरोही जैसे दिग्गज फिल्मकार की पसंद लता ही रही।
1970 से फिल्म संगीत में गिरावट आना शुरू हो गई, लेकिन लता ने अपने आप को इससे बचाए रखा। उनके गाने क्वालिटी लिए होते थे और वे सफलता के शीर्ष पर बनी रही। इस दौर में उन्होंने पाकीजा, प्रेम पुजारी, अभिमान, हंसते जख्म और कई यादगार गाने गाए। जैसा कि दोस्तों 80 और 90 के दशक में भी गूंजते रहे लता जी के नगमे, जैसा कि दोस्तों अनु मलिक, शिवहरी, आनंद मिलिंद, राम लक्ष्मण ने भी लता से गीत गवाना पसंद किया। जैसा कि दोस्तों लता मंगेशकर हमेशा से अपने सौम्य स्वभाव के लिए जानी गई। तमाम फिल्म निर्माता, निर्देशक, संगीतकार, गायक उनके पारिवारिक रिश्ते रहे और दिलीप कुमार, राज कपूर, देव आनंद, अमिताभ बच्चन, इन सभी से उनके घनिष्ठ संबंध रहे और पीढ़ी दर पीढ़ी उनके संबंध मधुर रहे। लता को हर किसी ने अपने परिवार का हिस्सा ही माना। इक्के दुक्के उनके विवाद भी रहे, जैसे कि अक्सर सफ़ेद साड़ी में लता जी नज़र आती थी। वो विवादों से हमेशा अपने आप को दूर रखा करती थी। सचिन देव बर्मन से ज़रूर एक बार उनका मनमुटाव हो गया था और दोनों ने 5 साल तक साथ काम नहीं किया। इसी तरह मोहम्मद रफ़ी और लता जी की गीतों की रॉयल्टी पर एक मत नहीं हो सके और उन्होंने कुछ समय रफ़ी जी के साथ गाना नहीं गाया। सी रामचंद्र और ओपी नैयर से उनका छोटा मोटा विवाद रहा। हालांकि इन्हें विवाद की बजाय मनमुटाव कहना ठीक होगा, जो कि आमतौर पर साथ में काम करने वालों के बीच हो जाता है। जैसा कि दोस्तों वर्ष 1962 में लता जी की जान लेने की कोशिश की गई थी। लता जी को एक दिन सुबह उठते ही उनके पेट में ज़बरदस्त दर्द हुआ। उनकी हालत ऐसी थी कि अपनी जगह से हिलने में उन्हें दिक्कत होने लगी। लता जी को स्लो पॉइजन दिया गया था। हालांकि उन्हें मारने की कोशिश किसने की, इस बारे में आज तक खुलासा नहीं हो पाया। लता मंगेशकर की शादी नहीं हो पाई। बचपन से ही परिवार का बोझ उन्होंने उठाना पड़ा। इस दुनियादारी में वे इतना उलझ गई कि शादी के बारे में उन्हें सोचने का फुर्सत तक नहीं मिला। बताया जाता है कि सी रामचंद्र ने लता मंगेशकर के समक्ष शादी का प्रस्ताव रखा था, लेकिन लता जी ने इसे ठुकरा दिया था। हालांकि लता ने इस बारे में कभी खुलकर नहीं कहा, परंतु बताया जाता है कि सी रामचंद्र के व्यक्तित्व से लता जी बहुत प्रभावित थी और उन्हें पसंद भी करती थी। परंतु एक इंटरव्यू में सी रामचंद्र ने कहा था लता उनसे शादी करना चाहती थी, परंतु उन्होंने इनकार कर दिया क्योंकि वह पहले से शादीशुदा थे। लेकिन रोचक बात यह है कि लता को इनकार करने की बात कहने वाले सी रामचंद्र ने इस घटना के बाद अपनी एक अन्य महिला मित्र शांता को दूसरी पत्नी बना लिया। 1958 में सी रामचंद्र के साथ व्यावसायिक रिश्ते ख़त्म कर लेने के बाद बारे में
लता ने एक इंटरव्यू में कहा था कि एक रिकॉर्डिस्ट इंडस्ट्री में मेरे बारे में उल्टी सीधे बातें फैला रहा था और मैंने सी रामचंद्र से कहा कि उन्हें हटा दे, परंतु वह उस रिकॉर्डिस्ट के साथ काम करने पर वे उन रिकॉर्डिस्ट के साथ काम करने पर अड़े हुए थे। इस बात के बाद मैंने उनके साथ काम न करने का फैसला किया। न जाने लता ने कितने गीत गाए, लता मंगेशकर के कौन से गीत पसंद किए गए या लोकप्रिय रहे, इसकी सूची बहुत लंबी है। लता ने ढेर सारे गाने गाए जिनमें से अधिकांश पसंद किए गए। जैसा कि दोस्तों, लता मंगेशकर को ढेरों पुरस्कार और सम्मान मिले। 1970 के बाद उन्होंने फिल्म फेयर को कह दिया कि वे सर्वश्रेष्ठ गायिका का पुरस्कार नहीं लेगी और उनकी बजाय उन नए गायकों को यह दिया जाना चाहिए। लता को मिले प्रमुख सम्मान और पुरस्कार इस तरह से हैं। भारत सरकार 1969 में पद्म भूषण पुरस्कार उन्हें दिया गया। 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। 1999 में पद्म विभूषण पुरस्कार उन्हें दिया गया और 2001 में भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया। जैसा कि दोस्तों, 1972 की फिल्म परी के गीतों के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला प्लेबैक सिंगर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार उन्हें मिला। 1974 में फिल्म कोरा कागज के गीतों के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला प्लेबैक सिंगर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार उन्हें मिला और 1990 में फिल्म लेकिन के गीतों के लिए सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक सिंगर का उन्हें पुरस्कार मिला। जैसा कि दोस्तों, महाराष्ट्र का सर्वोच्च पुरस्कार महाराष्ट्र रत्न भी उन्हें दिया गया। महाराष्ट्र में उन्हें बहुत ज़्यादा सम्मान दिया गया। जैसा कि दोस्तों, लता जी की प्रशंसा करना बहुत, जैसा कि दोस्तों लता जी ने जो कार्य किए हैं और जो कार्य उन्होंने कर दिया है, वो शायद ही कोई भी संगीतकार वैसा कर पाए। लता जी हम सबके दिलों में आज भी अमर रहेगी। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ओम शांति। धन्यवाद दोस्तों।